शुक्रवार को पाकिस्तान में एक बड़ा विमान हादसा हो गया। ये विमान लाहौर से कराची जा रहा था। ये विमान जब कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर अवतरण यानी लैंड करने जा रहा था, ठीक इससे पहले ही मलेरकंठ के मॉडल टाउन इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें यात्रा कर रहे सिर्फ दो बेहद ही भाग्यशाली लोगों को छोड़कर सभी की जान चली गई। एक युवा है मोहम्मद जुबैर, इनके सिर्फ हाथ जल गए हैं और वो खुद ही विमान के दुर्घटना होने के बाद बाहर निकले, और दूसरे शख्स हैं पाकिस्तान के बैंक ऑफ पंजाब के CEO जाफर मसूद। इन्हें काफी चोट आई लेकिन ये भी बच गए हैं। ICU में इनका इलाज चल रहा है। इन दोनों लोगों के अलावा इस PIA के PK8303 में कोई भी नहीं बचा है। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में पाकिस्तान की बेहद ही मशहूर मॉडल जारा आबिद, पाकिस्तानी सेना के 5 अधिकारी और इस दुर्घटना में GOTV के मशहूर पत्रकार सहित 97 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इसमें विमान के क्रू का एक सदस्य भी नहीं बचा है। विमान में 8 क्रू मेंबर सवार थे। आपको बता दें कि PIA का ये कोई पहला हादसा नहीं है। पिछले एक दशक में 3 बेहद बड़े हादसे हो चुके हैं। PIA 661 ये 2016 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ये ATR 42500 था। इसमें सवार सभी 47 लोगों की मौत हो गई थी। भोजा एयर 213 ये 2012 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें सवार सभी 127 यात्रियों की मौत हो गई थी। ये विमान बोइंस का 737200 था। एयर ब्लू 202 का विमान भी 2010 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें सवार सभी 146 लोगों की मौत हो गई थी। ये एयरबस A321-231 था। इस बार भी एयरबस ही है। इसमें सवार लोगों में 2 लोगों को छोड़कर सभी की मौत हो गई है। लाहौर से उड़ान भरने वाला PIA का ये एयरबस A320 कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने से ठीक पहले मलेरकंठ में गेट नंबर 2 के पास मॉडल कॉलोनी के नज़दीक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इलाके में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और काफी नुकसान का भी अनुमान है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 50 दिन से खड़े विमान को बिना फिटनेस टेस्ट के ही उड़ा दिया गया था। यही वजह है कि ये मौत का उड़ता ताबूत बन गया। घनी आबादी वाले क्षेत्र में विमान के गिरने से कई मकान धराशायी होने और रिहायशी इलाके में भी दर्जनों लोगों के दुर्घटना का शिकार होने की आशंका है। कराची के सभी बड़े अस्पतालों में आपातकाल घोषित किया गया। घटनास्थल पर सुरक्षा बल, एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियां और आपातकाल सेवा भी मौजूद रही। PIA के विमान PK8303 का पायलट का नाम सज्जाद गुल था। इसमें एक को पायलट और 3 एयर होस्टेस भी थी। PIA के अधिकारियों के मुताबिक कैप्टन ने हवाई यातायात टावर को सूचित किया कि उसे विमान के लैंडिंग गियर में कुछ गड़बड़ी लग रही है और इसके बाद विमान रडार से गायब हो गया। PIA के मुख्य कार्यकारी एयर वाइस मार्शल अरशद मलिक ने कहा कि पायलट ने यातायात नियंत्रक को बताया था कि वो कुछ तकनीकी मुश्किलों का अनुभव कर रहा है। मलिक ने उन खबरों को खारिज किया कि विमान में उड़ान से पहले भी गड़बड़ी थी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के असली कारण का पता जांच के बाद चलेगा, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी और मीडिया को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ घरों को नुकसान हुआ है लेकिन कोई ढा नहीं है। अब तक जमीन पर किसी की मौत की खबर नहीं है। मलिक ने कहा कि समूचे अभियान में 2 से 3 दिन लगेंगे। पाकिस्तान की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि उसने पायलट और ATC की बातचीत की रिकॉर्डिंग हासिल की है। इसमें पायलट कहता सुनाई दे रहा है, 2 इंजन खो दिए हैं। कुछ सेकंड बाद उसने कहा मेडे 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 और इसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। इस पूरी घटना पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संवेदना व्यक्त की है, हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। इमरान ने ट्वीट कर कहा कि वो PIA CEO अरशद मलिक के संपर्क में हैं। वो कराची के लिए रवाना हो चुके हैं और बचाव और राहत टीमों के साथ घटनास्थल पर हैं। अभी ये प्राथमिकता है, इस मामले की तत्काल जांच होगी। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान में हुए हादसे पर दुख प्रकट किया है और अपनी संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान में हुई एक विमान दुर्घटना की वजह से हुए जानमाल के नुकसान से गहरा दुख हुआ। इस दुर्घटना का शिकार हुए मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।